अल्लाह तबारक व तआला का बेपना एहसान है कि उसने हमें सबसे पहले तो मुसलमान बनाया। अशरफुल मखलूकात तो हम इंसान है, वो तो सब है, बुत पूजने वाले भी हैं, क्रॉस वाले भी हैं, पगड़ी वाले भी हैं, मगर अल्लाह का ये बड़ा एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब की उम्मत में पैदा कर दिया, और उस पर भी सबसे बड़ा अल्लाह का करम ये है कि हबीब को अता फरमाए और हबीब की आग के ताबी से वाबस्ता फरमाए। हर जात को जिस जात से इज्जत मिली है वो जात आकाए कौनैन सरवरे कौनो मका की जात है। हम अगर सहाबा की तासीम करते हैं तो नस्बत मुस्तफा की वजह से, हम अगर अहले बैत को मानते हैं तो सरकार दो आलम की वजह से, हम अली से प्यार करते हैं तो मुस्तफा की वजह से, हम अगर खातून जन्नत की तासीम करते हैं तो इसलिए कि वो सरकार के बदन का हिस्सा है, और हम अगर आले रसूल की तासीम करते हैं तो इसलिए कि वो सरकार का खून है। तो पता ये चला कि हर जात को इज्जत मिली है सरकार से, और हर एक का मकसद यही है कि हम सरकार को राजी करें। आप महफिल में आ रहे हैं, आपका भी मकसद यही होगा कि मैं महफिल में जाऊंगा तो हुसैन राजी होंगे, हुसैन के नाना राजी होंगे, और अगर नाना राजी होंगे तो फिर खुदा राजी होगा। यही है ना अकीदा भाई, बोले आप यही अकीदा है ना, हर एक का यही अकीदा है कि हुसैन का नाना खुश होगा, क्योंकि वो राजी होंगे तो रब राजी हो जाएगा। अब तवज्जो रखिए, ये हर जात को सरकार को राजी करने की फिक्र क्यों होती है? सहाबा सरकार को राजी करने के लिए मेहनत करते थे, अहले बैत सरकार की खुशनुदी हासिल करने के लिए, हर एक का अकीदा यही है कि मुस्तफा राजी हो गए तो खुदा राजी होगा। हजरत मुहद्दिस सैयदना इब्राहिम नखई फरमाते हैं, अब तवज्जो रखिएगा, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा था कि सरकार को राजी करना ही सब कुछ है, क्यों है उसकी वजह से होगा। सैयदना इब्राहिम नखई फरमाते हैं कि सोचो कि मैं यजीद के लश्कर में हूं, ये वो शख्स कह रहे हैं जो रावी है बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ, वो कह रहे हैं कि सोचो कि अगर मैं यजीद के साथ और कतरे हुसैन में शहादत हुसैन में मैं यजीद का साथ देता, मरने के बाद अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, मगफिरत फरमाने के बाद मुझे जन्नत का परवाना सुना दिया जाता, मगर मैं जन्नत में क्या मुंह लेकर जाता, जन्नत में मैं सरकार का सामना कैसे करता, मुझे उसूल क्यों? फरमाते हैं कि मैं सरकार को क्या मुंह दिखाता कि मैं दुश्मन हुसैन के साथ था। पता चला जन्नत जरूरी नहीं, हुसैन के साथ होना जरूरी। इब्राहिम नखई ने बता रहे हैं कि लोगों जन्नत की लालच में मत आना, हुसैन की जन्नत के साथ हो जाना, जन्नत तुम्हारा कदम चूमती नजर आए। मैं जन्नत में भी चला जाता तो मैं सरवरे दोनों जहां का चेहरा कैसे देख पाता, और अगर मैं जन्नत में पहुंच कर सरकार के सामने भी आ जाता और आका ने मुझसे पूछ लिया होता कि ए इब्राहिम नखई, तूने मेरे बेटे हुसैन के साथ वफा नहीं की? इब्राहिम नखई बता रहे हैं कि लोगों खुश नसीब हो कि हुसैन का नाम लेते हो और उसे कयामत सरकार के सामने सर उठाकर खड़े रहोगे और कहोगे मुस्तफा हम आपके भी दीवाने थे, आपकी आल के भी दीवाने। समझ गए, जन्नत इंपॉर्टेंट रजाए रसूल, क्योंकि रसूल राजी हो गए तो अल्लाह राजी,